नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में रजत देवगन। बाजार में अचानक आई बिकवाली में कई निवेशक फंस गए हैं और अगर आपके पोर्टफोलियो में भी नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं यानी कि गिरावट देखने को मिल रही है तो ये कोई अचंभा नहीं है। इस समय मार्केट की हालत ही टाइट है। क्यों ऐसा हुआ इस वीडियो में बताएंगे, शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं हूं रजत देवगन, आप देख रहे हैं बिस्तक। और मार्केट में इस समय जो दबाव है वो मुनाफा वसूली का ज्यादा दिखाई देता है, चाहे वो FIs हो या फिर जो HNIs होते हैं, जो बड़ी पोजीशंस छोटे मझौले शेयर्स में बनाते हैं, वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। जब कंसोलिडेशन का मार्केट होता है तब कोई बड़ी चाल शेयर्स नहीं दिखाते हैं, खासतौर से जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं उनकी धुलाई निश्चित है कि होती हुई नजर आएगी। और आपको पता ही है कि पिछले कुछ महीनों से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में धुआंधार चाल बनी थी। म्यूचुअल फंड्स ने भी आगाह किया था कि स्मॉल कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई है तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बहुत तगड़ी आ सकती है, और बिल्कुल अब वही स्थिति है। प्रॉफिट बुकिंग आई है तो तगड़ी आई है। ट्रेडर्स ने रिकॉर्ड स्तरों पर मुनाफा वसूली की है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की जमकर धुलाई हुई है, हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा दिखाई दी। आंकड़े ये बताते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स फरवरी के उच्चतम स्तर से लगभग 5.25% टूट चुका है, तो सोचो कंपोनेंट्स तो उससे और ज्यादा गिरावट शो करेंगे। निफ्टी मिड सिलेक्ट इंडेक्स इस हफ्ते लगभग 3% टूटा है। अच्छा, इंडाइसेस में, स्टॉक मार्केट में जितने भी इंडाइसेस हैं किसी में भी खरीदारी नहीं है इस हफ्ते, सब लालम लाल हैं। अब निचले स्तरों से रिकवरी आ जाए वो बात सही है, लेकिन पहले तो डेंट पड़ गया ना। मीडिया सबसे ज्यादा पिटा है 6.25%। PSU बैंक इंडेक्स जो है वो करीब 3% टूटा है इस हफ्ते। एनर्जी 2% नीचे, मेटल्स लगभग 2% नीचे, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2% नीचे इस हफ्ते। सरकारी खेमा जहां पर बहुत डिपेंडेंट होते चले जा रहे थे उसने साथ छोड़ दिया। CPSE इंडेक्स इस हफ्ते लगभग 2% टूटा है। IT, ऑटो, FMCG, फार्मा कहीं छुपने की जगह नहीं, सब गिरावट इस हफ्ते दिखाई दी है। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं मिड कैप स्टॉक्स, उसमें NSE 500 के जो सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स हैं इस महीने के आंकड़े, उसमें पेटीएम, खैर ये तो रेगुलेटरी रीजंस की वजह से टूट गया, 49% का की गिरावट देखने को मिली है फरवरी महीने में पेटीएम में। लेकिन GSFC 27% नीचे आया एक महीने में। RCF का स्टॉक 23% नीचे है फरवरी महीने में। RHIM 21% नीचे। टिमकेन ये स्टॉक लगभग 20% टूटा है। रेलवे कंपनी RVNL का स्टॉक इस महीने 19% नीचे। इसके अलावा प्रिंस पाइप्स 19% नीचे। अब आप ये देखो कि ये डबल डिजिट नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 18% 27% इस क्वांटम की गिरावट देखने को मिल रही है। बोरोसल रिन्यूएबल जो बजट से पहले बहुत सरपट दौड़ रहा था वो 18.5% सरेंडर कर गया है इस महीने। रैमको सीमेंट, अंबर, दीपक फर्टिलाइजर और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स में तगड़ी मुनाफा वसूली हुई है। ये फरवरी महीने के आंकड़े हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन रिकॉर्ड स्तरों पर एक प्रॉब्लम और हुई और वो थी सरकारी कंपनियों में। सरकारी कंपनियों के जो स्टॉक्स थे आपको पता ही है कि बहुत स्ट्रांग प्रदर्शन कर रहे थे और वन वे ट्रैक पे भागते चले जा रहे थे। सबने सवारी की सरकारी स्टॉक्स की, कुछ लेट हो गए निवेशक सरकारी कंपनियों में दाव लगाने पर और उनको अब नुकसान की भरपाई करना पड़ रहा है क्योंकि ऊपरी स्तरों पर सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में तगड़ी मुनाफा वसूली है। अब आंकड़े बताते हैं कि ऑल टाइम हाई लेवल से सब स्टॉक सरेंडर कर चुके हैं। और ये देखिए आप, इरडा जो बहुत ही बहुचर्चित स्टॉक है, इस स्टॉक में 31% से ज्यादा की गिरावट ऑल टाइम हाई लेवल से बन गई है। सतलुज जल विद्युत निगम, ये बजट में आप बार बार इस स्टॉक का नाम सुन रहे होंगे क्योंकि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियां थी वहां पर अच्छी चाल बन रही थी, उसमें सतलुज जल विद्युत निगम एक शामिल था शेयर। इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए निवेशकों को, लेकिन अब हायर साइड से सरेंडर कर गया और रिकॉर्ड लेवल से 30% नीचे। RVNL का स्टॉक रिकॉर्ड लेवल से 28% से ज्यादा टूटा है। ऐसे ही IRFC का स्टॉक रिकॉर्ड लेवल से 24% नीचे आया है। NLC इंडिया बहुत बेहतरीन कंपनी है लेकिन रिकॉर्ड लेवल से 25% नीचे है इसका शेयर। NBCC, NHPC ये सब स्टॉक्स 24% 24% रिकॉर्ड लेवल से नीचे हैं। तो सरकारी कंपनियों में जहां पर निवेशक बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थे, अब आप ये समझो अगर बहुत हैवी एलोकेशन किया होता तो 25% से 30% की गिरावट निश्चित थी कि इन कंपनियों में आपको ऊपरी स्तरों पर आई होती तो ये प्रॉफिट बुकिंग कर पाए तो ठीक थी। चढ़ते मार्केट में, चढ़ते स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है। जिन्होंने मिस कर दी रैली, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए, वो अब उनके पोर्टफोलियो में ऊपरी स्तरों पर डेंट पड़ा है 25% 30% का सरकारी कंपनियों में। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कहीं बबल तो नहीं बन रहा ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में। ये बहुत बड़ा सवाल है जो सब पूछ रहे हैं। हर निवेशक यही पूछ रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप जो इतनी स्पीड से चल गए थे तो अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि MFI जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है उसने भी हाल फिलहाल में एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में MFI ने मिड कैप स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर ये एडवाइजरी जारी की है। उसमें सभी म्यूचुअल फंड्स को ये बोला गया है कि अपनी वेबसाइट्स पर मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के सभी रिस्क पैरामीटर्स डिस्क्लोज करें ताकि निवेशक अलर्ट रहें, उनको पता हो कि वो किस
पोर्टफोलियो में अपना पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की कौन सी स्कीम के कौन से पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स में अपना पैसा डाल रहे हैं। कई फंड्स में स्मॉल कैप शेयरों का जो हिस्सा है, माइक्रो कैप शेयर्स का जो हिस्सा है, वो लार्ज कैप्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है, और यही एक कंसर्न है जिसको एमफी ने अपनी एडवाइजरी में हाईलाइट किया है। ये एक रेड अलर्ट समझ के चलें। और क्या ये ऐसे पैरामीटर्स है, वैसे जो उन्होंने एडवाइजरी जारी किया ना, उसमें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, इनका एक्सपोजर जो है माइक्रो कैप्स में ज्यादा है और लोअर एक्सपोजर है इनका लार्ज कैप स्टॉक्स में। अब वो उनके अपना पैरामीटर्स, उनके अपने तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, कि स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी का तो हिस्सा ज्यादा होगा, लार्ज कैप का थोड़ी ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि बहुत स्पीड से चल गई हैं ये कंपनियां, तो फिर तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए एमफी को आवाज उठानी पड़ेगी। और उन्होंने बोला है म्यूचुअल फंड्स को कि प्लीज अलर्ट रहिए, ये ऐसा नहीं कि एक धड़ल्ले से इन्फ्यूजन करते चले गए आप माइक्रो कैप और स्मॉल कैप ये स्टॉक्स में और वो भागते चले गए और वहां से आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो निवेशकों को कहीं नुकसान ना हो जाए, इसके कारण ये एडवाइजरी जारी की गई है। अच्छा, कौन से ऐसे रिस्क पैरामीटर्स जिसको डिस्क्लोज करना है अपनी वेबसाइट पे, तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो कितना वोलेटाइल है वो, इसके अलावा पोर्टफोलियो का बीटा मार्केट के कंपैरिजन, वो पोर्टफोलियो कितना तेज या फिर चलता है या फिर कितनी तेज गिरावट आती है, ये बीटा बताता है। पोर्टफोलियो का जो ट्रेलिंग पी है वो बताएं और पोर्टफोलियो का टर्नओवर बताएं। अच्छा, सेबी ने भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए सतर्क रहने को बोला है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को निवेशकों की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा है और उन्होंने कहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में निवेशकों के हितों का ध्यान रखें, एएमसीज जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो ध्यान रखें, ऐसे फंड्स में इनफ्लो को लेकर पॉलिसी बनाने की सख्त जरूरत है, जिसके लिए म्यूचुअल फंड्स और उनके जो ट्रस्टीज हैं वो यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी के साथ कंसल्ट करें और ये जरूरी जो पॉलिसी है उसको ड्राफ्ट करें। तो रेगुलेटर जो है वो बहुत सतर्क है और वो बार बार यही हाईलाइट कर रहा है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो शेयर्स हैं, जो एकदम से अफलातून चले हैं, इनकी वैल्यूएशंस को कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेच तो नहीं है, म्यूचुअल फंड्स इनको आइडेंटिफाई करें और प्रॉपर स्टेप्स उठाएं। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए डरने घबराने की अभी तो ज़रूरत नहीं है, अभी तो मार्केट बुल ग्रिप में है, पर हम इलेक्शंस के नज़दीक आते चले जा रहे हैं तो बाजार ना उठा पटक बहुत ज़्यादा दिखाएगा। और जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला कि दो तरफा चाल बन रही है मार्केट में, ऐसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करनी मुश्किल होती है, आम निवेशक नहीं कर पाता, स्किल्ड जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका काम है प्रॉफिट बुकिंग करना और कई बार पोर्टफोलियो में शेयर्स पड़े रह जाते हैं। तो जहां पर आपको वैल्यूएशंस ज्यादा लगे, अगर आप वैल्यूएशंस को समझते हैं तो, नहीं तो फिर बेस्ट तक तो आपके साथ है ही, तो वैल्यूएशन ज्यादा लगे वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए, लेकिन अगर गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कीजिए, निचले स्तरों से फिर से खरीदारी लौटेगी और जहां पर अभी प्रॉफिट बुकिंग आई है बाजार में वोलेटाइल मूवमेंट के चलते, वहां पर दोबारा से खरीदारी होती हुई नजर आएगी, अर्निंग्स पे ही दाव लगेगा, अच्छी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, चाहे वो स्टॉक पिट भी जाए लोअर लेवल से फिर से चलेंगे, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिज तक के साथ। नमस्कार।